चारों ओर सिर्फ प्रकृति की ही आवाज़ आती है। अभी प्रकृति भी खुश है, देखिए हर पेड़ पे फूल आए हुए हैं और पीपल के भी पत्ते नए आ चुके हैं अभी। और आप देख ही सकते हैं प्रकृति के बीच में बैठकर आपको कहीं पे चिड़िया चहक रही है और यहाँ पे माँ गंगा की खल खल बहती आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे सभी भक्तजन स्नान कर रहे हैं, यही समय होता है। सामने आप देख सकते हो कौवे पानी पी रहे हैं, देखिए। तो माँ सभी के लिए है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, हम सबकी माँ है। और हम सबकी माँ को हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो उसका विशेष ध्यान रखना कि मैया को अपने दूषित मत करना और दर्शन करते रहिए माँ गंगा के। देखिए कितना साफ सुथरा पानी है ना। और अगर नहीं लग रहा है ना तो साफ़ सुथरा हमें स्वयं रखना होता है, क्योंकि मैं तो बोलूँगी साफ़ सुथरा है मेरे लिए। अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ अलग दिख रहा है तो वो आपके नज़र का दोष है या फिर आप सबकी वजह से ये पानी ऐसे दिख रहा है, क्योंकि हर समय मैं बोलती रहती हूँ। वो आपको अच्छा भी लगे ना भी लगे, पर मुझे जो दिखता है मैं बताती रहती हूँ। और दर्शन करते रहिए माँ गंगा के, क्योंकि ये जो हमें देगी ना वो किसी और जगह से नहीं मिल सकता सुकून।